वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है संथाल जनजाति को जो है पढ़ रहे थे, उसको समझे थे और उसके कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वो हम लोग इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ अदर जो मेन पॉइंट्स है उसको भी झारखंड हिस्ट्री के मेन टॉपिक के जो चीज़ें हैं देखेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं JTET PT और JTET मेंस साथ ही CTET की, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए इन तीनों में से, चाहे वो JTET हो PT या फिर JTET मेंस या तो फिर CTET, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, डेली के अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मिलते हैं वो आप तक पहुंच सके, और शेयर करें ताकि जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कर सके, हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है संथाल जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखेंगे। इसमें दो पॉइंट्स जो है मेन है। अगर हम बात करें संथाल जनजाति की, तो इसमें जो है मृत्यु जो है अगर किसी व्यक्ति की हो जाती है तो उसके संबंधी जो है उसके शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की जो है बात करें तो इसमें विधि से जो है उनका संस्कार कर सकते हैं, ठीक है, अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वो दोनों प्रथाएँ यहाँ पे प्रचलित है, चाहे वो शव को जला सकते हैं या फिर दफना सकते हैं, लेकिन आप जनरली देखोगे कि वो दफनाने का ही जो है माध्यम ज़्यादा अपनाते हैं, यानी कि प्रथाएँ ज़्यादा वो अपनाते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे हैं जो शव को जलाते भी हैं, तो ठीक है, दोनों प्रकार की प्रथाएँ वहाँ प्रचलित है। नेक्स्ट, संथालों का मुख्य पेशा देखें तो कृषि है, जिस पर वो निर्भर रहते हैं और अपने दैविक जो भी दैनिक कार्य है इसी के अनुसार वो जीवन निर्वाह अपना करते हैं, ठीक है। इससे कृषि करके, ठीक है, फसल जो है वो उगाने का काम करते हैं। तो ये एक बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है भारत एक कृषि देश है, तो ये आधार है, ठीक है, भारत का आधार कृषि है। तो इसमें झारखंड की जो है संथाल जनजाति का बहुत बड़ा, बात करें या फिर अदर जनजाति जो कृषि का कार्य करती है तो वो एक बहुत ही आधार की भूमिका निर्वाह करती है, चाहे वो राज्य की बात हो या तो फिर देश की बात हो। तो ये एक बात करें तो बहुत अहम भूमिका योगदान अपने ओर से देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उराव जनजाति की, तो ये जो है झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। पहला कौन है? पहला है संथाल, और दूसरा अगर हम बात करें जनजाति की तो वो है उराव जनजाति, ठीक। सेकंड, झारखंड की प्रथम प्रमुख जनजाति संथाल है, और सेकंड कौन है? उराव जनजाति है दूसरी प्रमुख जनजाति, ठीक। नेक्स्ट है, उराव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इनका मूल स्थान दक्कन रहा है, जिसे जो है कुछ ने कोंकण बताया है। उराव भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जनजाति है, यानी कि उराव भाषा और प्रजाति दोनों अगर दृष्टि से देखें तो ये द्रविड़ जनजाति के अंतर्गत आती है, ठीक। नेक्स्ट है, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल उराव का गढ़ है, यानी कि माना जाता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है और पलामू प्रमंडल है तो उसमें उराव का जो है निवास यानी कि गढ़ माना गया है, ठीक है। इन दोनों प्रमंडलों में लगभग 90% उराव निवास करते हैं, यानी कि यहाँ मुख्य निवास स्थल इन दोनों स्थानों को माना गया है, जिसमें कि कम से कम आप बात करें तो 90% आप देखेंगे तो यहाँ पे उराव जनजाति का निवास जो है माना गया है। नेक्स्ट है, जबकि शेष 10% जो है उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में निवास करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 5 प्रमंडल है, हम लोगों ने इसे जो है फर्स्ट वाले वीडियो में कवर किया था, प्रमंडल को देखा था, तो उसमें दक्षिणी छोटा नागपुर पलामू प्रमंडल जो है
जो दो मुख्य निवास स्थल 90% उराव जनजाति का है। इसके बाद अदर अगर हम बात करें तीन जो प्रमंडल बच गए उसमें 10% उत्तरी जो है छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में निवास करते हैं। ठीक है, आगे यह जनजाति करीब 14 प्रमुख गोत्रों में विभाजित है। उराव जनजाति 14 में गोत्रों में विभाजित किया गया है और संथाल जनजाति 12 गोत्रों में विभाजित किया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, लकड़ा रूंडा गारी तिरकी किसपोटा टोपो एका मींज कुजूर बांडी बेक खलको और केरकेट्टे लेंडा ये सब जो भी है। ठीक है, ये 14 गोत्र यहाँ पे नाम सहित जो है सम्मिलित किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोत्र को ये लोग कीली कहते हैं। गोत्र का जो किस नाम से ये लोग जानते हैं तो ये कीली के नाम से जो ये जानते हैं, यानी कि कीली के नाम से संबोधित गोत्र को किया जाता है उराव जनजाति में। ठीक, आगे देखते हैं उराव जनजाति के लोग कुडुक भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? कुडुक भाषा। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कुडुक भाषा कौन सी जनजाति की बात करें तो भाषा है, तो वो उराव जनजाति की है। ठीक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। आगे देखते हैं, इस जनजाति के लोग स्वयं को अपनी भाषा में कुडुक कहते हैं जिसका अर्थ मनुष्य होता है। ठीक है, सरना जो है इनका मुख्य पूजा स्थल होता है। सरना जो है ये एक पूजा स्थल है जो इनका मुख्य पूजा स्थल होता है। ठीक, इस जन अगर बात करें उराव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। ठीक, उराव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। आपको याद होगा हम लोगों ने संथाल वाला में कुछ मतलब पॉइंट्स में देखा था कि जहाँ पे पंचायतों की बैठक होती है उसको मांझी थान कहते हैं और मांझी को गांव के प्रधान कहते हैं ना, उसी तरह के उराव जो है जनजाति में उसमें पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, पाहन इनका धार्मिक प्रधान पुजारी होता है। पाहन कौन है? इनका धार्मिक प्रधान पुजारी होता है, तो धर्म से संबंधित चीज़ों को ये जो है निर्वाह करते हैं। ठीक, और महतो जो है गाँव के 15 मुखिया जो गाँव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है वो महतो होता है। ठीक है, जिसमें 15 मुखिया होते हैं जो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। ठीक, आगे उराव गांव में यह कहावत प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है। ठीक है, यानी कि पाहन जो है वो धर्म से रिलेटेड चीज़ों को देखता है और महतो जो है वो प्रशासनिक इसके अंतर्गत जो भी सामाजिक प्रशासनिक चीज़ें हैं उनको वो देखता है, देखने का काम उनके जो है अंतर्गत आता है। आगे धूमकड़िया युवा गृह उराव जनजाति के युवक एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। एक यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि धूमकड़िया क्या है, तो यह युवा गृह जो है उराव जनजाति के युवक एवं युवतियों की एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें पढ़ाई लिखाई या अदर जो भी प्रशिक्षण जो है दी जाती है युवक और युवतियों दोनों को। ठीक है, तो इसमें युवक और युवतियों के लिए अलग अलग धूम जो है कुड़िया का प्रबंध होता है। मतलब जैसे कि युवकों के धूमकड़िया की अगर बात करें तो को जोक एरपा और युवतियों के सूतना घर को पेल एरपा कहा जाता है, तो दोनों का जो है नाम अलग अलग है युवा गृह का। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो है उराव एक जो है विवाही होते हैं किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में दूसरी पत्नी रखने की यहाँ पे मान्यता दी गई है, जैसे कि संथाल जनजाति में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें भी ये एक नियम है विवाह के अगर हम सोचे तो से संबंधित। नेक्स्ट है, उराव में समगोत्र विवाह वर्जित है, यानी कि इसमें भी जो है समगोत्र विवाह करना मनाही है। इसमें विवाह मुख्यतः बहिर्गोत्र के आधार पर होता है, यानी कि विभिन्न भिन्न भिन्न गोत्रों पर आधारित होता है, समगोत्र नहीं होना चाहिए। आगे, उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इनमें विवाह का प्रस्ताव लड़का पक्ष के सामने रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लड़का पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। इसमें भी जैसे संथाल अगर हम बात करें जनजाति में तो उसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिस
जिसको पौन नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में, उसी तरह उराव जनजाति में जो है इसमें भी जो है वर पक्ष को वधु पक्ष वर पक्ष को मूल्य देना पड़ता है, वधु मूल्य वधु यानी कि कन्या पक्ष को। ठीक है, आगे उराव में विधवा विवाह भी खूब प्रचलित है। इनका सबसे बड़ा देवता धर्मेश है, ठीक, जिसकी तुलना जो है सूर्य से करते हैं। इनका सबसे बड़ा देवता जो है धर्मेश है, जिसकी तुलना वे सूर्य से करते हैं। ठीक है, उराव के अन्य प्रमुख देवी देवता की बात करें तो ठाकुर देव ग्राम देवता है, मांगबुरु पहाड़ देवता को माना गया है, डीहवार सीमान देवता, पूर्व जातमा यानी कि पूर्वजात्मा कुल देवता आदि को जो है ये लोग अपनी देवी देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, उराव की पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करती है, इसका महत्व भी उनके बीच पूजा स्थल के समान ही है। यानी कि जैसे वो पूजा करते हैं अन्य देवी देवता का, तो उसी तरह अपने पूर्वजों की जो है आत्मा जो शासन में निवास करती है उनकी भी पूजा स्थल उसी तरीके से ये लोग करते हैं। ठीक है, कर्मा एवं सरहुल इस जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार माने गए हैं। इस जनजाति के लोग नाच के मैदान को अखाड़ कहते हैं। नाच के मैदान को क्या कहते हैं? अखाड़ कहते हैं। इनका प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी, फल आदि हड़िया। इनका जो है प्रिय पेय पदार्थ क्या है? हड़िया है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक, आगे देखते हैं उराव जनजाति के जो मेन पॉइंट्स है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, आगे हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे। यह जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा तीसरी है सबसे बड़ी, पहला संथाल, सेकेंड उराव और तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा। प्रजातीय दृष्टि से अगर देखें तो मुंडा को प्रोटो एस्ट्रोलॉयड समूह में रखा जाता है। ठीक है, रांची जिला जो है इस जनजाति का प्रमुख निवास स्थल स्थान है। ठीक है, मुंडा निवास ज़्यादा करती है वहाँ पे। रांची के अतिरिक्त ये गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवां जिले में भी अच्छी खासी जो है इनकी संख्या है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति कोल के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है, यानी उसका दूसरा नाम कोल भी है। नेक्स्ट, तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा तमड़िया मुंडा या पातर मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, तमाड़ क्षेत्र के मुंडा को तमड़िया मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है। आगे, मुंडा स्वयं को होड़को कहते हैं। ठीक, मुंडा अपने गोत्र को क्या कहते हैं? कीली कहते हैं। मुंडा अपने गोत्र को कीली कहते हैं। मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि JSSC के द्वारा जो है क्वेश्चन जो मेन पूछी जाती है उसी के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज़ों को देखा है, पढ़ा और मैंने भी बताया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग आगे फिर वीडियो में जो मेन पॉइंट्स उसको देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा PDF इसका तो आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके नोट्स अगर लेने हैं तो ज़रूर आप हमसे जो है शेयर कर सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।